धर्म ग्लानी किसने की? हमने ही की है, तो धर्म ग्लानी को दूर भी हम ही करेंगे। परमात्मा हमारा इसमें सहयोगी बनकर के इस धरती पर आया हुआ है और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था इस कार्य के लिए सबसे आगे बढ़ करके आई है। हम अभी तक 3000 संस्थाएं हैं विश्व में, लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म ग्लानी की चिंता किसी संस्था को है, सबसे ज़्यादा भारत को स्वर्ग बनाने की चिंता किसी संस्था को है तो वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को है। अभी तक हम तमाम सोशल मीडियों में धर्मों के व्याख्यानों को लोगों के सुनते हैं, लेकिन सब अपने अपने संस्था का प्रचार करते हैं, अपने अपने संस्था का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मात्र एक यही संस्था है जिसको सबका दुख, सबका दर्द, सबकी पीड़ा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि संस्था का संचालन कोई मनुष्य नहीं कर रहा, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, जिसे कहें राम कहें, वही संस्था को चला रहा है। यहाँ हम सब उसके निमित्त कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, इसलिए उनके निमित्त में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज उनके सारथी हैं, उनको भी हमारा सत सत नमन, जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। अब वो समय नज़दीक है कि धर्म परिवर्तन, धर्म की ग्लानी हुई है तो अधर्म का विनाश करने के लिए स्वयं धर्म का वाहक स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुका है। रामचरितमानस में एक छोटा सा चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब लगी प्रभु मनुज शरीरा। प्रभु ने मनुज का शरीर लिया, वो मनुज कौन है? स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका आधार लेकर के शिव स्वयं गीता ज्ञान दे करके इस धरती को पावन बनाने का कार्य लगभग लगभग पूरा कर चुका है। पर्दा खोलने की बारी है, अब वो जल्द ही वो पर्दा खुलने का समय आ चुका है। हमारे सभी धर्म सम्राट साधु महात्मा हमारे पूज्य गुरुओं ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व गगन पर चमकेगा। हम तैयार हों चाहे ना हों, वो कार्य कराने आया है, वो हमसे कार्य करा ही लेगा, उससे बड़ा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम सब एक हो करके उसके इस कार्य में सहयोगी बन जाएं, ताकि हमें भी कुछ मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।